दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जाना कि पेट्रोलियम क्या होता है और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल कैसे बना जाता है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, पेट्रोलियम की लोकेशन पता करने के बाद हम लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से। उसके बाद हम लोग करते हैं उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बहुत ही आसानी से समझेंगे। दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम पेट्रोलियम को करते हैं हीट और उसके बाद हम उसे भेजते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। दोस्तों, इसमें जो चीज़ जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। उसके बाद इसका उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा नीचे होता है। फिर ऐसे 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 हमारे ढेर सारे फ्यूल अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से फॉर्म होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।